के भी दे देता है। हर आदमी मां बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर मां और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहि सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है, जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था, हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह क्या करूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शह, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका जौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीज हो। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ए मूसा डाल दे अपना सांप, पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे। कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया, कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा, बल्कि उससे पीछे चलिए। औरतें कमजोर यकीन की होती है ना, जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। मां के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के मां बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले, मां के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की मां कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो, मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए, का मूसा लिकौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, हमने कहा फन फाजरत मिन हुसना ता आशरा ता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है, इतनी असाकल हाजर, मारो पत्थर पर डंडा, अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुसना ता आशरा ता आईना, अल्लाह फरमाते हैं जनाबे मूसा ने एक असा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूं, अल्लाह फरमाते आ जा मस्जिद मैं तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूं, रब फरमाता तू मेरे महबूब की गुलामी कर मैं तुझे महबूब बना लूंगा, तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लू इजराइल से के कितने सालों के बाद आएंगे फिर शुरू करूंगा, प्रोग्राम बना रहा है अभी तू इरादे में है, अल्लाह के पैगम्बर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेजे, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं, अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा, कहां पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उबलेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया, फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फान जाइनाकुम वाग रखना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए, एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया, 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रस्ते में दरियाए नील आ गया, हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा, अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं, सियाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान
यकीन और इस्तकामत डट गए। कहने लगे, ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर है, हम तो रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं, उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं, फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते हैं, 10,000 का लश्कर गुजर गया, उस पार जब गया ना, तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सियाबी कहने लगे, मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला, ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है, अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ छोड़ दे, क्या करता है। उसने कहा, प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे, क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान यकीन और इस्तकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे, चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सियाबा कहते हैं, दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दे। ओ मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज़ अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ कर जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ, 4 रकअत नमाज पढ़ो, हाजरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते, वो कौन सी मार्फत है। यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, क्योंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं, हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजे लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत उमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था, मिस्र के अंदर एक दरिया चलता था, दरियाए नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था, फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना, तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा, आस्थाने का, उस आस्थाने का तरीका होता है जिसका, जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है, बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका, कोई जाती तरीका नहीं, तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन से, कौन सा तरीका है, हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है, उठा के भाग जाओ रस्म और रिवाज, हमारे रस्म और रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, तीन दफा कर ले ताकि ताकत आद हो जाए सल्लल्लाहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे, दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा, कहा हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं, मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए, अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर, ईमान यकीन इस्तकामत पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने दो खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम, दो खत लिखे, एक एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम, गवर्नर के नाम खत लिखा, तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहाँ आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहाँ हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया
अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन, मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना उमर बिन आद फरमाते हैं, लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये ईमान की कुव्वत, डरो मुसलमान, सहमा व मुसलमान। ये कभी अमेरिका के पीछे भागता है, कभी यूरोप के पीछे भागता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिर आदम है, जमीर कुन फिका है जिंदगी। जब ईमान की ताकत पैदा होती है, जब कुव्वत पैदा होती है, फिर इंसान के अखलाक समर जाते हैं, फिर उसका नजरिया सीधा अल्लाह रसूल की जात पर जाके खड़ा होता है। जिन्हें आजमाया गया था हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला, हमें तो थोड़ा सा झटका लग जाए ना मजहब का, थोड़ा सा लोग दीन की तरफ आते हैं तो इसमें ना थोड़ी तकलीफ है। सही बुखारी की हदीस, इसमें तकलीफ है, सच कह रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी ने कहा तो हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं, नबी पाक ने फरमाया अच्छी तरह सोच ले, गसोड़िया नहीं प्यार है, फरमाया चल फिर सोच ले, हुजूर बड़ा प्यार, मैं सोच ले का महबूबा बड़ा प्यार है, नबी पाक ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, जिस तरह गहरी जगह पे पानी तेजी से आता है तेरी तरफ मुश्किलात भी तेजी से आएंगी, तेजी से। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जरा अच्छी तरह सोच ले, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा उसे तकलीफ है, बोलो उसे तकलीफ है, ये पक्की बात। जो मोहब्बत में मुखलस हो वो देख ले मैं आजमाइश में कितना हूं। तो अगर कोई कहता है नहीं मजहब में जाएंगे तो मौजे लग जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो उससे पूछो ना जो इस मनसब पे है, कठिन मरहला कठिन। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रोता है फलक बरसों फिर जाके ये हालात दुरुस्त होते हैं। तो भाई याद रखें और समझें, हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तय कर लिया कुफार के साथ, हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मुसलमानों, मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते। और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, बाप ने, भाई ने, मल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी, किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े मदीने पहुंचे। कहते रस्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा फिर पैदल चला। सहाबा कहते इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा, अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई दरे रसूल पे, हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के दो सिपाही भी आ गए, कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे जदन में जरा सोचना, चश्मे जदन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है, यहां तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने दो सिपाही आ गए, जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान यकीन और इस्तकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गईं। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा, भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है, यहां यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो,
जब वो दो सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट के, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे, नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना, उसके लिए दुआ की। हुजूर रोए, हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तेकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खैंची तलवार उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना, एक को मारा दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे, मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन, ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, ते उत्तो सबर पलेथन लाया, तन दी आंडी ते मन दा सालन, उत्ते लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं, हमने कहा चुप कर जा। वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, जिहड़ियां खसमां दी विच रज़ा बसन, भाग जाग जांदे उहनां गोलियां दे, ते मैं गुड्डी हथ डोर सजण दे, ओ जिंज रखे उंज रहणा, वाजब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नूं कहणा। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे, हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुहर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया, हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता, जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने दो सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी, ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा, हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, भी बुलावा नहीं आया तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी, जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों जो मुठ्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा, सर पे रखते, सीने से लगाते,
और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन एतमाद इतने आला दर्जे का, कमजोर मुसलमान दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके यकीन करके हमें बतलाया है, जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है, जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें, ये झूठे वादों पर झूठी तसल्लियों पे अपने आप को